أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 20 for the students of BSIT and BSCS second semester my subject is communication skills and today my topic is reading skill and pronunciation skill I shall try to discuss two topics in this lecture students ye mera lecture number 20 hai BSIT aur BSCS second semester ke students ke liye aaj ke is lecture mein main reading skill aur pronunciation skill do topics aapse discuss karunga ye zara long lecture ho jayega 50 minutes tak bhi ja sakta hai koshish karunga ki so isko 40 minutes tak hi rakhu क्योंकि उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को भी बोरियत हो जाती है ज्यादा नहीं सुना जाता एनीवे इसके बाद कोई 3 से 4 टॉपिक्स मेरे अभी रहते हैं लेक्चर्स की लिमिट आपकी ख़त्म हो गई है अब कल इंशाल्लाह मैं आपके सीआर से रब्ता करूँगा वो चंद एक टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं आप लोगों को एज असाइनमेंट असाइन कर दूंगा आप लोग पूरी क्लास उसकी असाइनमेंट तैयार करें इस तरह से वो जो मिसिंग टॉपिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे और मैं कोशिश ये करूँगा कि बाकी क्लासेस के लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उनके कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स डिलीवर कर दूँ लेकिन ये 100% श्योर नहीं है मैं कोशिश करूँगा कि अगर बाकी क्लासेस के लेक्चर्स मैनेज हो जाते हैं तो मैं वो जो टॉपिक्स 3-4 रहते हैं उसके भी मैं लेक्चर्स डिलीवर कर दूँ एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे वो और वो आपको कम से कम 23 अगस्त के बाद YouTube पे मिलेंगे अगर मैंने वो लेक्चर्स डिलीवर किए तो और अगर मैं वो लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ तो इस सूरत में मैं फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं रीडिंग स्किल हमारा पहला टॉपिक है रीडिंग स्किल्स आर एबिलिटीज दैट परटेन टू अ पर्सन्स कैपेसिटी टू रीड रीडिंग स्किल क्या है इसका ताल्लुक एक शख्स की सलाहियतों से है कि वो पढ़ सकता है कॉम्प्रीहेंड समझ सकता है इंटरप्रेट तशरीह कर सकता है एंड डिकोड रिटन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट और लिखी हुई तहरीर को डिकोड कर सकता है यानी इसको कन्वर्ट कर सकता है एक्सेप्शनल रीडिंग स्किल्स कैन बी हाईली बेनिफिशियल टू एसिमिलेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिटन कम्युनिकेशन लाइक ईमेल मैसेजेस लेटर्स एंड अदर राइटिंग मैसेजेस एट्सेट्रा इसमें जो फर्स्ट 1.5 लाइन है पहली 1.5 लाइन वो रीडिंग की डेफिनेशन है उस पर तवज्जो कीजिएगा इसका बाकी का हाफ सेकंड हाफ छोड़ सकते हैं आप और साथ में आप देखने को मैंने इस डेफिनेशन को जहाँ कहीं से लिया था उसका लिंक आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है आप इस लिंक पर जाकर फर्दर डिटेल्स हासिल कर सकते हैं अब रीडिंग में Some people think of the act of reading as straightforward task that is easy to master. In reality, it is a complex process that draws on many different skills. Reading comprehension can be challenging for students. Here are 6 essential skills needed for reading comprehension. कहा गया कि लोग समझते हैं कि reading आसान काम है, लेकिन बाकी की स्किल्स की तरह से ये भी कॉम्प्लिकेटेड है और रीडिंग स्किल पर महारत हासिल करने के लिए हमें 6 स्टेप्स बताए गए हैं कि अगर ये 6 काम कोई स्टूडेंट करता है तो उसकी रीडिंग स्किल परफेक्ट हो जाती है नंबर 1 है जो डिकोडिंग की सलाहियत होना डिकोडिंग क्या है कन्वर्ट करना अगर आप लोगों ने कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा हो अगर आपको कंप्यूटर से आगाही है स्पेशली BSIT के स्टूडेंट्स को इलम होगा कंप्यूटर में डिकोडिंग का प्रोसेस होता है जो इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है वो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज से कन्वर्ट होती है और फिर हम तक मैसेज पहुंचता है उस लैंग्वेज में उस फॉर्मेट में जिसे हमारी आंखें देखती हैं हमारा जहन समझ सकता है क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज हर शख्स नहीं समझ पाता दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड तो इसी तरह से हम जो कुछ पढ़ते हैं जो कुछ सुनते हैं हमारे जहन में वो मैसेज पहुंचता है वहाँ हमारा माइंड उसकी डिकोडिंग करता है और फिर हमें
समझ में आता है कि हमने क्या देखा है या क्या सुना है। रिकॉर्डिंग इज अ वाइटल स्टेप इन द रीडिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स यूज दिस स्किल टू साउंड आउट वर्ड्स दे हैव हर्ड बिफोर बट हैव नॉट सीन रिटन आउट। द एबिलिटी टू डू दैट इज द फाउंडेशन फॉर अदर रीडिंग स्किल्स। कहा कि रिकॉर्डिंग बाकी रीडिंग स्किल्स के लिए भी बुनियाद की हैसियत रखती है। और रिकॉर्डिंग है क्या कि स्टूडेंट्स जो कुछ सुनते हैं उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। डिकॉर्डिंग रिलाइज ऑन एन अर्ली लैंग्वेज स्किल और इसका ताल्लुक अर्ली लैंग्वेज स्किल पर होता है कॉल्ड फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस क्या है? दिस स्किल इज पार्ट ऑफ एन इवन ब्रॉडर स्किल कॉल्ड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। ये एक स्किल है, महारत है अल्फाज और उनके तलफ्फुज़ से मुतल्लिक, जो कि छोटी उम्र के स्टूडेंट्स अस खुद सीख जाते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज को सुनते हुए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी, फ्लुएंसी का हासिल करना जरूरी है रीडिंग स्किल के लिए। द रीडर फ्लुएंटली सॉरी टू रीड फ्लुएंटली स्टूडेंट्स नीड टू इंस्टेंटली रिकग्नाइज वर्ड्स इंक्लूडिंग वंस दे कैनोट साउंड आउट। फ्लुएंसी स्पीड्स अप द रेट एट विच दे कैन रीड एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट। फ्लुएंसी जरूरी है। फ्लुएंसी का मतलब है अल्फाज को समझना। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वेन किड्स इनकाउंटर इरेगुलर वर्ड्स। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और ये जरूरी है वेन किड्स इनकाउंटर इरेगुलर वर्ड्स लाइक ऑफ एंड दी विच कैनोट बी साउंडेड आउट। ओके, साउंडिंग आउट और डिकॉर्डिंग एवरी वर्ड कैन टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। वर्ड रिकग्निशन इज द एबिलिटी टू रिकग्नाइज ऑल वर्ड्स इंस्टेंटली बाय साइट विदाउट साउंडिंग देम आउट। ओके, राइटर कहते हैं कि वर्ड्स की रिकग्निशन थोड़ा मुश्किल काम होता है और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। फ्लुएंसी के बाद नेक्स्ट आ जाता है जी विकेबलरी। विकेबलरी मतलब जखीरा अल्फाज। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने और समझने के लिए हमारे पास विकेबलरी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया जो कि मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। दोनों में एक बड़ी अहम चीज जो कि मैं बताना भूल गया, इसलिए वापस आते हैं। ओके, हमने पहला पॉइंट पढ़ा था डिकोडिंग, अब हमें ये देखना है कि हाँ जी व्हाट कैन हेल्प। डिकोडिंग की एबिलिटी हासिल करने के लिए क्या चीज़ हमारी मदद कर सकती है? मोस्ट स्टूडेंट्स पिक अप द ब्रॉड स्किल ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नेचुरली बाय बीइंग एक्सपोज टू बुक्स सॉन्ग्स एंड रिदम्स। कहा गया कि स्टूडेंट्स फोनोलॉजिकल स्किल अस खुद हासिल कर लेते हैं जब वो लैंग्वेज को सुनते हैं या पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक शख्स अपनी मदर टंग की फोनोलॉजी को खुद ही समझ लेता है। But some kids don't. In fact, one of the early signs of reading difficulties is trouble with rhyming, counting syllables, or identifying the first sound in a word. The best way to help students with these skills is through specific instructions and practice. इसके लिए जरूरी है कि students को जो instruction दी जाए उनके teachers की तरफ से उस पर वो तवज्जो करे। स्टूडेंट्स हैव टू बी टॉट हाउ टू आइडेंटिफाई और वर्क विद साउंड्स। स्टूडेंट को सिखाया जाना चाहिए कि साउंड्स को कैसे पहचानना है और ये काम सेकंड लैंग्वेज के लिए होता है, मदर टंग के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि मदर टंग तो एक स्टूडेंट्स आज खुद सीख जाता है। अब मसलन हमारी मदर टंग पंजाबी है, जब हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हमें इंस्ट्रक्शन दी जाए, हमें बताया समझाया जाए कि साउंड्स क्या होती हैं, इंग्लिश वर्ड्स की अल्फाबेट्स की साउंड्स क्या होती हैं। लेकिन अफसोस कि ये काम हमारे हमारे इदारों में नहीं किया जाता। तो दूसरा था जी फ्लुएंसी का पॉइंट। तो फ्लुएंसी में हम पढ़ चुके हैं वर्ड कैन हेल्प, आपके लिए पढ़ा देते हैं क्योंकि यही चीज़ इनफेक्ट आपके काम की है। वर्ड रिकग्निशन कैन बी a big obstacle for struggling readers. Average reader need to see a word from
14 times before it becomes a sight word, they automatically recognize. Lots of students struggle with the reading fluency as with other reading skills. Okay, जब हमने पढ़ा कि वर्ड कैन हेल्प, यानी क्या चीज़ हमारी मदद करती है फ्लुएंसी हासिल करने में, तो उसमें एक मशवरा ये दिया गया है कि 14 टाइम्स, एक लफ्ज़ को जब आप 14 टाइम्स देख लेते हैं तो फिर वो लफ्ज़ आपके जहन पर नक्श हो जाता है, आपकी याददाश्त में समा जाता है, आपकी आंखों में समा जाता है, फिर आप उससे तेज़ी से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इससे हमें ये नतीजा मिलता है कि फ्लुएंसी हासिल करने के लिए हमें रिपीटेडली पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इसके बाद विकेबली, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में मौजूद अक्सर अल्फाज आपको समझ में आने चाहिए जो कुछ आप पढ़ रहे हैं। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विकेबलरी इज की कॉम्पोनेंट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। विकेबलरी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको रीडिंग की समझ आएगी। स्टूडेंट्स कैन लर्न विकेबलरी थ्रू इंस्ट्रक्शन but they typically learn the meaning of words through everyday experience and also by reading. So vocabulary hasil karne ka ek tarika to ye hai ki aapko instructions diye jaye, iske alawa rozmarra ki zindagi ke alfaz se bhi aap seekh sakte hain. Aage ji, what can help vocabulary hasil karne mein, kya cheez hamari madad karti hai, wo main aapko waise bata deta hu jo iska khulasa hai. विकेबलरी को हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके सिलेबस की जितनी भी बुक्स हैं आप उनको शौक से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, याद करने की गर्ज से नहीं, समझने की गर्ज से नहीं, ये समझ कर नहीं पढ़ना कि आपके सिलेबस की बुक्स हैं, नहीं, जस्ट लाइक अ स्टोरी उनको पढ़ें। एक रजिस्टर पेंसिल साथ रख लें, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं जो आपने पहले नहीं देखे हो, जिनका मतलब आपको नहीं मालूम, उनको अपने रजिस्टर पर लिखें, डिक्शनरी से उसका मतलब मालूम करें, क्योंकि अब तो जदीद दौर है, डिक्शनरी आप में से हर एक के मोबाइल सेट में मौजूद होगी। मेरा ज़माना तालबे इल्म था जब मैं पढ़ा करता था, जब ऐसी कोई सहूलत नहीं थी, और हमें 7 किलो वजनी किताब, डिक्शनरी जिसको कहते हैं, 7 किलो वजनी किताब हाथ में उठा कर अल्फाज के मानी तलाश करना पड़ते थे, और शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत होती थी। इब्तदा में जब हमने डिक्शनरी कंसल्ट करना शुरू की तो नहीं समझ आती थी, 2.5 से 3 मिनट लग जाते थे एक लफ्ज़ का मतलब समझने में, हाथ थक जाता था किताब उठाए हुए। तो अब तो आपके पास बड़ी सहूलियात हैं, तो आपको क्या करना है कि बुक रीडिंग करें, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए उनको एक रजिस्टर पर लिखें, डिक्शनरी से उनका मतलब तलाश करें, उनके स्पेलिंग वगैरह को एडजस्ट करें, मेक श्योर कि ये लफ्ज़ नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, फिर उसको आपने याद करना है विद स्पेलिंग्स। और इसके अलावा आपकी पिछली क्लासेस की जो ग्रामर्स हैं, जैसे मैट्रिक लेवल की, इंटर लेवल की जो ग्रामर्स हैं, उनमें से पेयर्स ऑफ वर्ड्स, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ऐसी बहुत विकेबलरी वहाँ मौजूद होती है। वर्ड्स मीनिंग्स लेसन, जब आप पढ़ते थे लेसन के बाद सिनोनिम्स की सूरत में वर्ड्स मीनिंग हुआ करते थे। रोज के 5-10 अल्फाज आप याद करें विद स्पेलिंग तो, और विद मीनिंग्स, इस तरह से आपकी विकेबलरी इंक्रीज होती है। विकेबलरी के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी, अगला पॉइंट है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड कोहेरेंस। आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी उसमें कौन सा लफ्ज किस जगह पर एडजस्ट होता है। इससे भी आसान यूँ के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होना चाहिए, एडजेक्टिव एडवर्ब वगैरह की जगह कहाँ होती है, आर्टिकल और प्रेपोजिशंस किस मकाम पर इस्तेमाल होते हैं, इसकी आगाही होनी चाहिए अगर आप रीडिंग स्किल में महारत हासिल करना चाहते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रामर की क्लासेस अटेंड करें, किसी उस्ताद से इस्तफादा करें, उस्ताद से मालूमात हासिल करें, खुद भी ग्रामर को स्टडी करें, उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्रामर प्रैक्टिस से आती है। इसके अलावा ग्रामर सीखने का और कोई तरीकाकार नहीं है। तो कनेक्टिंग आइडियाज
कनेक्टिंग आइडियाज विद इन एंड बिटवीन सेंटेंसेस इज कॉल्ड कोहेरेंस। कहा कि जब एक सेंटेंस के अंदर मौजूद आइडियाज को एक दूसरे से मिलाने की बात हो या फिर मुख्तलिफ सेंटेंसेस में बयान किए हुए आइडियाज को एक दूसरे के साथ मिलाने की बात हो जिसको कोहेरेंस कहते हैं, इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ सेंटेंसेस आर बिल्ड माइट सीम लाइक अ राइटिंग स्किल। और सेंटेंसेस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है लगता तो ये है कि ये राइटिंग स्किल है, बट दीज स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एज वेल। लेकिन यही स्किल्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का इलम होगा, इसको उतार चढ़ाव आपके जहन में वाजे होंगे, जब ही आप रवानगी से पढ़ सकेंगे। अदरवाइज आप सेंटेंस तो पढ़ लेंगे, तर्जुमा समझ नहीं आएगा, मतलब समझ नहीं आएगा, आपका पढ़ना बेकार जाएगा, आपकी रीडिंग स्किल में फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि व्हाट कैन हेल्प हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये तो मैं वैसे बता चुका हूँ कि इसके लिए हमें ग्रामर को स्टडी करना है, उस्तादों से इस्तफादा करना है। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन कैन टीच स्टूडेंट्स द बेसिक्स ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन की बात हुई। अब एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? इंस्ट्रक्शन उस्ताद देता है, यानी आप बाकायदा ग्रामर की क्लासेस अटेंड करें, उस्ताद से इंस्ट्रक्शंस हासिल करें, फिर उसके मुताबिक ग्रामर की प्रैक्टिस करें, फिर कहीं जाके आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। इसी बात की मजीद वजाहत की, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल टीचर्स कैन वर्क विद स्टूडेंट्स ऑन कनेक्टिंग टू और मोर थॉट्स। स्टूडेंट्स तालबिलों के साथ स्टूडेंट्स और उस्ताद मिलकर फिक्रात की कंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं थ्रू बोथ राइटिंग एंड रीडिंग, राइटिंग में भी रीडिंग में भी। उसके बाद है जी रीडिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज। मोस्ट रीडर्स रिलेट व्हाट दे हैव रेड टू व्हाट दे नो, सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स टू हैव बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड व्हेन दे रीड। बैकग्राउंड नॉलेज का थोड़ा सा ताल्लुक वर्ड रिकग्निशन से आ जाता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्ड्स रिकग्निशन के लिए, लफ्ज़ों को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि किसी एक लफ्ज़ को 14 मरतबा पढ़ा गया हो आम रूटीन में। तो बैकग्राउंड नॉलेज क्या है कि जो अल्फाज आप पढ़ रहे हैं वो अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखे हैं, उनका मतलब पहले कहीं आपने तलाश किया था, याद किया था, वही अल्फाज दोबारा आपके सामने आ जाते हैं तो आसानी से आप उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है जी बैकग्राउंड नॉलेज। और इसके लिए भी वही बात ज़रूरी है, बैकग्राउंड नॉलेज कैसे हासिल किया जा सकता है। बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि आप बार बार पढ़ें। सेकंड स्टेप ये है कि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, कजन्स के साथ अपना रीडिंग से मुतल्लिक नॉलेज शेयर करें, उनसे सुने कि उन्होंने क्या पढ़ा है, उनके पास जो नॉलेज है विकेबलरी से मुतल्लिक, ग्रामर से मुतल्लिक, आप उनसे हासिल करें, जो आपके पास नॉलेज है उन तक पहुँचाएँ। और इस तरह से आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है अबाउट रीडिंग, अबाउट द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड अबाउट द नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो इसमें हम देखते हैं कि व्हाट कैन हेल्प योर चाइल्ड कैन बिल्ड नॉलेज थ्रू रीडिंग कॉन्वर्सेशंस मूवीज एंड टीवी शोज एंड आर्ट्स लाइफ एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज आल्सो बिल्ड नॉलेज। तो साफ लफ्जों में बता दिया गया कि आप बैकग्राउंड नॉलेज कैसे हासिल कर सकते हैं, पढ़कर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर और शेयर करके अपने नॉलेज को दूसरों के साथ, और जो रोज़मर्रा के आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी आप बैकग्राउंड नॉलेज हासिल करते हैं। एक्सपोज योर स्टूडेंट्स टू रीडिंग एज मच एज पॉसिबल। वही बात रिपीट की गई कि अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर, रीडिंग पर आमादा करें, एंड टॉक अबाउट व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, और फिर बात करें कि आपने एक्सपीरियंस से, तजर्बे से क्या हासिल किया है। इट विल हेल्प योर स्टूडेंट्स मेक कनेक्शन बिटवीन न्यू नॉलेज एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। इससे मौजूदा और पुराने इलम में एक
ताल्लुक आ जाएगा, एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट रिक्वायर थिंकिंग थिंकिंग एंड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद फिर जरूरी है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें उनसे। सिक्स आ जाता है जी वर्किंग मेमोरी एंड अटेंशन। वर्किंग मेमोरी जिसको हम एक्टिव मेमोरी कहते हैं, ये नहीं वो बातें जो हमारी मेमोरी में इस वक्त मौजूद हैं, और एक मेमोरी वो होती है जिसको हम अपना लाशौर सब कॉन्शियस कहते हैं, जिसमें पुरानी बातें महफूज होती हैं, उनसे मुतल्लिक कोई हिंट मिले, कोई टच मिले, कोई क्ल्यू मिले तो वो बातें याद आ जाती हैं। सपोज मिसाल के तौर पर कोई एक पकवान, कोई एक डिश आपने खाई थी, बहुत पुरानी बात है, किसी दूसरे शहर में आप सैर के लिए गए थे, वहाँ उनका एक लोकल फूड आइटम थी, उनकी एक लोकल फूड आइटम थी जो वहाँ के मकामी लोग बनाते हैं, खाते हैं, आपके शहर में आपकी लोकेलिटी में वो फूड आइटम नहीं पाई जाती। अब बड़े साल गुजरने के बाद कहीं आपको उसी पकवान की महक मिली, खुशबू मिली, कहीं पक रहा था, बन रहा था, या आपने उसकी तस्वीर देखी, तो आपको याद आ जाता है कि अच्छा ये खाना मैंने खाया था, इसका ये नाम है, इसके ये इंग्रेडिएंट्स थे, फलां जगह पर पाया जाता है, सारी बातें आपको याद आ जाती हैं। ये क्या होता है? ये तो होता है आपका लाशौर। एक्टिव मेमोरी क्या होती है? वो चीज़ जो कि अभी अभी आपने पढ़ी है, जो कि आपके जहन में मौजूद है और आप उसको विदाउट एनी एफर्ट याद रख सकते हैं, जबकि जो चीज़ें लाशौर में हैं वो उस वक्त याद आती हैं जब उससे मुतल्लिक कोई हिंट, कोई क्लिप आपको नजर आता है। तो देखते हैं जी वर्किंग मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, यहाँ पर क्या लिखा है। दीज टू स्किल्स आर बोथ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एबिलिटीज नोन एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ओके, इनको एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कहा जाता है। दे आर डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड। ये मुख्तलिफ हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। व्हेन स्टूडेंट्स रीड, अटेंशन अलाउज देम टू टेक इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। जब तालिबे पढ़ रहे होते हैं तो जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर मौजूद है वो उसको हासिल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी तवज्जो पढ़ने पर है। वर्किंग मेमोरी अलाउज देम टू होल्ड ऑन टू दैट इंफॉर्मेशन, और उनकी जो वर्किंग मेमोरी है वो इस इंफॉर्मेशन को सहारा देती है, कबूल करती है, एंड यूज इट्स टू गेन मीनिंग एंड बिल्ड नॉलेज फ्रॉम व्हाट दे आर रीडिंग, और इस तरह से उनका नॉलेज बढ़ता है। अब आ गया जी व्हाट कैन हेल्प। देयर आर मेनी वेज यू कैन हेल्प इम्प्रूव योर वर्किंग मेमोरी, और वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करने के बड़े तरीकेकार हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ गेम्स एंड एवरीडे एक्टिविटीज दैन कैन बिल्ड वर्किंग मेमोरी। मसलन मुख्तलिफ तरह की गेम्स और कुछ एक्टिविटीज, कुछ सरगर्मियाँ हैं जिससे आप अपनी वर्किंग मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ रीडिंग। टाइप्स ऑफ रीडिंग इनफैक्ट पहले होनी चाहिए थी। रीडिंग की फोर टाइप्स होती हैं, उसमें शामिल है स्कैनिंग, स्कीमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, और अगले पेज पर आता है इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, फोर टाइप्स ऑफ रीडिंग, और इन फोर टाइप्स ऑफ रीडिंग में से किसी भी टाइप की रीडिंग आपको करना हो उसके लिए ज़रूरी है कि ऊपर बयान की गई सिक्स स्किल्स आपके पास हों। मसलन आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो, आपके पास विकेबलरी हो, आपको वर्ड रिकग्निशन की सलाहियत हासिल हो, और ये सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से हासिल होता है। ग्रामर का नॉलेज हासिल करने से ये फ्लुएंसी हासिल होती है। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रीडिंग के लिए मैं एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ये जो इस पेज पे लिखा हुआ है इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं इस पेज को आपको एक मरतबा मुकम्मल दिखा देता हूँ। इस पेज को आप देख लीजिए, मैंने स्टिल किया हुआ आप लोगों के लिए। जब ये लेक्चर आपके पास पहुँचता है ये पेज इसी तरह से आपके सामने स्टिल होगा। इसको आपने पॉज करके तफसील से पढ़ लेना है। स्कैनिंग, स्कीमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, और उसके बाद इसका लास्ट पार्ट आ जाता है जी ये इंटेंसिव रीडिंग आ गया। ठीक है, ठीक है जी, इसको भी मैं चंद सेकंड के लिए आपके लिए स्टिल कर रहा हूं। जब ये लेक्चर आपके पास पहुंचे ये पेज एज इट इज आपके सामने स्टिल होगा, बेहरकत होगा। इसको पॉज करके आपने इसको सारे को पढ़ लेना है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। तो
आइए स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। ये स्कीमिंग से बात शुरू करते हैं। ओहो, एक मिनट, एक चीज रह गई जनाब इस लेक्चर में। वापस अपने पेज पर आते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ रीडिंग की मैं जरा इसका मैं इंट्रोडक्शन पढ़ दूं। देर आर डिफरेंट रीडिंग मोड्स एंड ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन पिकुलियरिटीज। कहा गया कि पढ़ने के कई एक अंदाज हैं और हर एक अंदाज का अपना एक अपनी खसूसियत होती है। दोज आर स्कैनिंग, स्किमिंग, आईज, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। ऑल्सो रीडिंग मोड्स आर क्लासिफाइड बाय द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव एंड पैसिव रीडिंग, एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग। ओके, तो आज हम इन चार चीजों को पढ़ रहे हैं। इसके लिए अब हम आते हैं वापस अपने स्लाइड्स पे। हाँ जी, स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग इज यूज्ड टू क्विकली गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और जिस्ट। रन योर आईज ओवर द टेक्स्ट, नथिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यूज स्कीमिंग टू क्विकली गेट अप टू स्पीड ऑन अ करंट बिजनेस सिचुएशन। इट इज नॉट इसेंशियल टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड व्हेन स्कीमिंग। तो स्कीमिंग कहा गया कि स्कीमिंग आप उसको करते हैं जब आप कुछ मालूमात हासिल करने चाहते हैं। इसमें आप तेजी से पढ़ते हो, जरूरी नहीं कि तमाम अल्फाज आपको समझ में आए। एग्जाम्पल इसकी क्या है जी? स्कीमिंग की, द न्यूज़पेपर क्विकली टू गेट द जनरल न्यूज ऑफ द डे। हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम स्कीमिंग करते हैं, सारी खबरें सारी लाइनें वन बाय वन तरतीब से नहीं पढ़ते, हम सिर्फ अपने मतलब की खबर तलाश करते हैं। मैगजीन्स क्विकली टू डिस्कवर विच आर्टिकल्स यू वुड लाइक टू रीड इन मोर डिटेल। मैगजीन्स हैं जिसमें कई तरह के आर्टिकल्स हैं, आप तमाम तरह आर्टिकल्स को सरसरी तौर पर एक नज़र देखते हैं, उनकी हेडिंग्स देखते हैं, आप अपनी पसंद का आर्टिकल तलाश कर रहे हैं। बिजनेस एंड ट्रेवल ब्रोशर्स क्विकली टू गेट इंफॉर्मेशन। ये है जी स्कीमिंग। स्कीमिंग का मकसद होता है अपने मतलब की मालूमात हासिल करना, अपने काम की चीज़ तलाश करना। इसके लिए हम सिर्फ हेडिंग्स देखते हैं, सब हेडिंग्स को देखते हैं और टॉपिक सेंटेंसेस पढ़ते हैं, तफसील में नहीं जाते। कहीं पर रुक कर किसी लफ्ज का मतलब डिक्शनरी में से देखने की जहमत नहीं करते। आगे आ जाता है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग का मकसद होता है कोई खास मालूमात हासिल करना। रन योर आईज ओवर द टेक्स्ट लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें आप क्या करते हैं कि उस खास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर अपनी निगाहें दौड़ाते हैं जिसकी आपको जरूरत है। यूज स्कैनिंग ऑन शेड्यूल्स, मीटिंग प्लान्स एटसेट्रा। स्कैनिंग हम करते हैं मीटिंग शेड्यूल्स के लिए, यानी इसकी मिसाल के हम जो मीटिंग शेड्यूल्स पढ़ रहे हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक डिटेल यू रिक्वायर। इफ यू सी वर्ड्स और फ्रेजेस दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, डोंट वरी व्हेन स्कैनिंग। अब स्कैनिंग की एग्जांपल क्या है? द व्हाट इज ऑन टीवी सेक्शन, इटिनरी और योर न्यूज़पेपर, अ ट्रेन, एयरप्लेन शेड्यूल, अ कॉन्फ्रेंस गाइड। सपोज के आप टीवी से मुतलिक प्रोग्राम्स का शेड्यूल देख रहे हैं, एक नज़र ऊपर से नीचे तक तफसील में नहीं आप जाते, आप अपनी ज़रूरत का प्रोग्राम उसमें तलाश कर रहे हैं, या फिर आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि जिस ट्रेन में आपको सवार होना है वो कब किस तरफ से आएगी। एक्सटेंसिव रीडिंग आ जाता है जी। एक्सटेंसिव रीडिंग इज यूज टू ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इंक्लूड्स रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट फॉर अ प्लेयर एज वेल एज बिजनेस बुक्स। एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसके लफ्ज एक्सटेंसिव से वाजे है, ये लॉन्ग रीडिंग होती है, इसको तफसील से पढ़ा जाता है। यूज एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स टू इम्प्रूव योर
जनरल नॉलेज और एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स को हम इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए? जनरल नॉलेज के लिए ऑफ बिजनेस प्रोसीजर्स. डू नॉट वरी इफ यू अंडरस्टैंड, डू नॉट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ईच वर्ड. और यहाँ पर भी अगर हर एक लफ्ज आपको समझ नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक्सटेंसिव रीडिंग की एग्जाम्पल क्या है? द लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बुक, अ नॉवेल यू रीड बिफोर गोइंग टू बेड. हाँ, नॉवेल इसकी बेहतरीन मिसाल है एक्सटेंसिव रीडिंग की. हम नॉवेल को तफसील से पढ़ते हैं, सारा पढ़ते हैं. मैगजीन आर्टिकल्स दैट इंटरेस्ट यू, और किसी मैगजीन में जो आर्टिकल्स आपकी पसंद के हैं आप उनको पढ़ते हैं, बड़ी तफसील से पढ़ते हैं, ये एक्सटेंसिव रीडिंग होती है. उसके बाद इंटेंसिव रीडिंग आ जाता है जी. इंटेंसिव रीडिंग इज यूज ऑन शॉर्टर टेक्स्ट. इंटेंसिव रीडिंग होती है छोटी छोटी टेक्स्ट के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, खास तरह की मालूमात हासिल करने के लिए. इट इंक्लूड्स वेरी क्लोज एक्यूरेट रीडिंग फॉर डिटेल, और इसमें आपको एक्यूरेट रीडिंग हासिल होती है, डिटेल में हासिल होती है. यूज इंटेंसिव रीडिंग स्किल टू ग्रेस्प द डिटेल ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन. और इंटेंसिव रीडिंग किसी खास सिचुएशन को समझने के लिए इस्तेमाल होती है. इन दिस केस इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड्स नंबर ऑफ फैक्ट, पर इसमें जरूरी है कि आपको हर एक लफ्ज की समझ आए. इसकी एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग आर बुक कीपिंग रिपोर्ट एंड इंश्योरेंस क्लेम आ कॉन्ट्रैक्ट. जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मुआहिदा पढ़ते हैं तो बड़े तफसील से पढ़ते हैं कि इसमें कहीं कोई एक शिक आपके खिलाफ तो नहीं जाती. इंश्योरेंस क्लेम जब आप तैयार करवाते हैं तो उसको बड़े तफसील से पढ़ते हैं कि इसमें कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं रह गई जो कि आपके इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट करवा दे. बुक कीपिंग रिपोर्ट है, एक लाइब्रेरी में किताबों से मुतलिक रिपोर्ट होती है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन सी किताब लाइब्रेरी में मौजूद है, कौन सी किताब लाइब्रेरी से बाहर है, यानी किसी कस्टमर के पास से किसी को इशू की हुई है. तो ये होती है जी इंटेंसिव रीडिंग. अब लास्ट इसका देखिए, इसकी समरी है. स्कीमिंग क्या है? रीडिंग रैपिडली फॉर द मेन पॉइंट्स. स्कीमिंग हम करते हैं मेन पॉइंट्स को समझने के लिए. स्कैनिंग, रीडिंग रैपिडली थ्रू आर टेक्स्ट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. स्कैनिंग करते हैं खास तरह की मालूमात हासिल करने के लिए, वो मालूमात जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे मतलब की है, जबकि स्किमिंग में हम सिर्फ मेन पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं. एक्सटेंसिव रीडिंग क्या जी? रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट ऑफन फॉर प्लेयर एंड फॉर एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग. एक्सटेंसिव रीडिंग की जाती है तफरी के लिए और मजमूई तौर पर कहानी को समझने के लिए. इंटेंसिव रीडिंग है जी रीडिंग शॉर्टर टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. इंटेंसिव रीडिंग लफ्ज इंटेंस से है जिसका मतलब होता है शिद्दत, यानी ये छोटी टेक्स्ट है लेकिन इसको इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए पढ़ा जाता है विद एन एम्फेसिस ऑन प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग. और एम्फेसिस इस बात पर होता है कि हमें खुलासा समझ में आ जाए. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने टाइप्स ऑफ रीडिंग को कंप्लीट किया है. चार तरह की टाइप्स ऑफ रीडिंग थी. अगला टॉपिक आ जाता है प्रोनाउंसिएशन का, लेकिन आपका लेक्चर टाइम कंप्लीट हो चुका है. अब ऐसा है कि मैं एक और लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ आज की डेट में, लेक्चर नंबर 21. अपना ज़रूर तलाश कीजिएगा यूट्यूब पर. उस लेक्चर नंबर 21 में मैं एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग को शामिल करूंगा, जहां मेरा कर्सर आप देख सकते हैं. हमने टाइप्स ऑफ रीडिंग में क्या पढ़ा था कि स्कैनिंग, स्कीमिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग, ये चार मेजर टाइप्स है रीडिंग की. इसके अलावा एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग भी होती है. चूँकि ये मिसिंग है और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, मेरी तरफ से आपको मुकम्मल नॉलेज मिलना चाहिए, लिहाजा मैं आज की तारीख में अभी थोड़ी देर के बाद लेक्चर नंबर 21 डिलीवर कर रहा हूं. और वो आज के दिन में, यानी आज 15 अगस्त को, आपको आपकी YouTube पे मिल जाएगा. काइंडली दोनों लेक्चर्स
तवज्जो से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों लेक्चर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक। और इसमें मैं ऊपर चल के इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसमें रीडिंग स्किल शामिल हुई है, हम प्रोनंसिएशन को नहीं पढ़ सके, टाइम ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब मैं अगर मैंने प्रोनंसिएशन वाला टॉपिक शुरू किया तो उसमें ये लेक्चर 1 घंटे तक चला जाएगा, 60 मिनट्स तक चला जाएगा, और 60 मिनट्स तक सुनना स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए मैं आपका आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज और आपको बताता चलूं कि अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट को स्किमिंग स्कैनिंग वगैरह की समझ ना आई हो तो मैं यहां से भी आपके लिए पढ़ देता हूं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ रीडिंग में स्कैनिंग क्या है, स्किमिंग स्कैनिंग, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग में आपके लिए यहां से भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि जब आप दो जगह से किसी चीज को पढ़ लेते हैं, दो मुख्तलिफ तरह के फिकरात में एक ही बात पढ़ते हैं तो बात बड़ी अच्छी समझ आ जाती है। और दिस रीडिंग मोड इज एम्ड ओनली एट फाइंडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। स्कैनिंग का क्या मकसद होता है, टेक्स्ट में मौजूद जरूरी मालूमात हासिल करना। इट डज नॉट मीन अ कंप्लीट इमर्जन इन द टेक्स्ट एंड अ डीप कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द फैक्ट्स। हम इमर्जन नहीं चाहते, यानी तहरीर में डूब नहीं जाते, इसको कॉम्प्रिहेंशन, इसकी मुकम्मल समझ हमारा टारगेट नहीं होता। एनालिसिस ऑफ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ना हम ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के एनालिसिस में जाते हैं कि इस फिक्रे में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, इस फिक्रे में प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, हमारा कंसर्न नहीं होता। ऑफन इन दिस मोड द टेक्स्ट इज व्यूड फ्रॉम द presence of unfamiliar words so that after their translation it will be more easy to read the text fully. isme sirf pehla sentence hamare kaam ka hai ji, this reading mode is aimed only at finding the necessary information in the text. iska maqsad hota hai text mein se zaruri malumat hasil karna. aage aa jata skimming, this reading mode is used to get to know and understand if this information is useful to your और नोट। स्किमिंग किस लिए की जाती है, सिर्फ किसी तहरीर को एक मकसद के लिए पढ़ा जाता है कि इसमें मौजूद मालूमात आपके काम की है या नहीं है। यू आर व्यूइंग अ बुक इन अ स्टोर और अ मैगजीन ऑन द शेल्फ बिफोर बाइंग इट। मसलन किसी दुकान पर, बुक शॉप पर आप खड़े हैं, एक किताब या मैगजीन आपने खरीदना है, आप उसका टाइटल पेज देखते हैं, अंदर से 2-4 पेजेस उलट कर देखते हैं कि इसमें मौजूद मवाद आपके मतलब का है या नहीं, खरीदना चाहिए या नहीं। ये चीज़ क्या है, ये स्किमिंग कहलाती है। आगे एक्सटेंसिव रीडिंग आ जाता है। द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज टू गेट अक्वेंटेड विद न्यू इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव जैसे नाम से ही वाजे है, वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर पढ़ना, इससे हमें पता चलता है कि इसमें नई मालूमात क्या है हमारे लिए। इन दिस मोड पीपल रीड आर्ट और साइंटिफिक लिटरेचर, लोग साइंस से मुतल्लिक लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर साहिबान, इंजीनियर्स किसी नई तहकीक से मुतल्लिक शाया होने वाला आर्टिकल पढ़ते हैं, बड़े तफसील से पढ़ते हैं, विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द न्यू इन अनफेमिलियर वर्ड्स इफ देयर मीनिंग कैन बी अप्रोक्सीमेटली अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और इसमें अगर नए अल्फाज हों जिसका मतलब समझ आ जाए सिचुएशन के मुताबिक तो भी ठीक है, तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। एक्सटेंसिव रीडिंग के बाद आ जाता है जी इंटेंसिव रीडिंग। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज यूज इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश इन ऑर्डर टू इंटेंसिवली फोर्स द प्रोपोज्ड शॉर्ट टीचिंग टेक्स्ट। इसमें पहला फिक्रा ही मिसाल से शुरू किया गया है कि इसकी मिसाल है इंग्लिश को पढ़ना, किसी लेसन को, किसी टेक्स्ट को पढ़ना, इस नजरिए से पढ़ना कि इसकी पूरी समझ आ जाए, इसमें इस्तेमाल होने वाली ग्रामेटिकल टेक्निक्स भी समझ आ जाए, ताकि हम दूसरे बंदे को पढ़ा सकें, समझा सकें। विद दिस टाइप ऑफ रीडिंग ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस, अनफेमिलियर वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर इंटेंसिवली एग्जामिन्ड। और जब हम इस अंदाज में पढ़ रहे होते हैं तो नए अल्फाज का मतलब, ग्रामर के रूल्स जो भी इस्तेमाल हुए उनको बड़ी तवज्जो से एनालाइज किया जाता है। वाई शुड यू गिव टाइम टू ईच ऑफ द
रीडिंग मोड्स मेंशन अबव। ओके, यहाँ पे हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपका लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें बाकी जो कुछ रह गया है, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन स्किल है और एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग, इसके लिए मैं आपको लेक्चर नंबर 21 डिलीवर कर रहा हूँ। इस लेक्चर को सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।